नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। दोस्तों, झारखंड में यहाँ पे जो है एक न्यू रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशंस यहाँ पे निकाली गई है। रिसेंटली में जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी हुई है। दोस्तों, जो पोस्ट नेम आपका दी गई है माइनिंग मेट, फॉरमैन एंड अदर पोस्ट की यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दोस्तों, सीधी भर्ती है, इसमें आपका किसी भी प्रकार के जो है यहाँ पे एग्जाम ना होने वाली है, ना ही जो है आपका यहाँ पे अप्लीकेशन फी ली जा रही है। सीधी भर्ती, अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। वहीं पे अगर आप इसमें सिलेक्टेड होते हैं तो आपको अच्छी सैलरी के साथ साथ जो है अदर एलोमेंट्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, कौन से कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशंस आपका यहाँ पे जो है ली जा रही है, कैसे इस फॉर्म को आप आवेदन दे सकते हैं, तो सारा डिटेल्स इस वीडियो में आगे यहाँ पे देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप लाइक कर दें, और वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन होगा उसको भी क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी झारखंड की गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन आती है या फिर किसी भी प्रकार के इंपॉर्टेंट नोटिस आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। सो दोस्तों, ये जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जो रिसेंटली में झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत यहाँ पे जो है डिफरेंट पोस्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है निकाली गई है। दोस्तों, कोल एंड मेटल दोनों के लिए यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दोस्तों, फर्स्ट में आप देख पा रहे कि जो यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे दी गई है, फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर जो कि कोल के लिए यहाँ पे दी गई है, एंड सेकंड में जो है सेकंड क्लास माइंस मैनेजर जो कि कोल के लिए यहाँ पे जो है दी गई है, ठीक है। दोस्तों, जो नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट है फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर जो मेटल के लिए दी गई है एंड सेकेंड क्लास माइंस मैनेजर मेटल के लिए, तो ये जो है आपका कोल एंड मेटल दोनों के लिए यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट आई है। एंड फिफ्थ नंबर में यहाँ पे जो पोस्ट है फॉरमैन एंड माइनिंग मेट, ये दोनों की भी यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है। तो आप अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे जो है सीटी देख करके भी जो है आप इसमें आवेदन दे सकते हैं, अगर आप इसमें एलिजिबल होंगे तो। दोस्तों, अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो उनको अच्छी सैलरी भी आपको यहाँ पे जो है दी जा रही है। अगर आप फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर जो कि कोल या फिर फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर मेटल, इनमें किसी में भी अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 47,290 रुपये आपको प्रतिमाह सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। वहीं पे अगर आप सेकंड क्लास माइंस मैनेजर्स या फिर कोल या फिर मेटल, इसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उन सभी को यहाँ पे जो है 30,040 रुपये आपको प्रतिमाह सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप फॉरमैन में सिलेक्ट होते हैं तो उन सभी को जो है 28,760 रुपये आपको यहाँ पे प्रतिमाह सैलरी दी जा रही है। वहीं पे अगर आप माइनिंग मेट में सिलेक्ट होते हैं तो उन सभी को जो है 16,190 रुपये आपको प्रतिमाह सैलरी यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। दोस्तों, आपको यहाँ पे जो एक्सपीरियंस भी ली जा रही है तो मिनिमम आपका 5 ईयर्स की जो है रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस यहाँ पे ली जा रही है। जो लोग यहाँ पे फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर कोल या फिर मेटल के लिए आवेदन देते हैं तो इन सभी के लिए जो है 5 साल के रिलेवेंट फील्ड में जो है एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे इसमें आपको अप्लाई करने के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप इन सभी पोस्ट में आवेदन देना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपका रिलेवेंट फील्ड में देख पा रहे कि जो डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग आपका होनी चाहिए, साथ में जो है आपका फर्स्ट क्लास जो माइंस मेजर्स का जो कॉल इशू जो DGMS के द्वारा यहाँ पे जो सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलती है वो आपकी होनी चाहिए एंड गेट क्वालिफाइड यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं एंड DGMS के द्वारा यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे दी जाती है वो सभी होगी तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। बात करें यहाँ पे फॉरमैन या फिर माइनिंग मेट में जो कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी जो है आपका यहाँ पे देख पा रही कि जो क्वालिफिकेशंस निर्धारित की गई है, कंपेटेंसी सर्टिफिकेट ऑफ माइन फॉरमैन इश्यूड बाय DGMS एंड गेट क्वालिफाइड, तो यहाँ पे सभी में जो है आपका गेट क्वालिफाइड यहाँ पे जो है मांगी गई है, साथ में जो है आपका DGMS के द्वारा यहाँ पे फॉरमैन इश्यूड जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका यहाँ पे जो है होनी चाहिए। माइनिंग मेट के लिए जो है माइनिंग सरदार का यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट होती है जो DGMS के द्वारा यहाँ पे इशू होती है वो यहाँ पे होनी चाहिए एंड गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस जो है आपका पोस्ट के अंतर्गत यहाँ पे जो है रखी गई है, ठीक है। बहुत अच्छी जॉब है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस होगा तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें आपका किसी भी प्रकार की जो है अप्लीकेशन फी यहाँ पर नहीं ली जा रही है, ना ही आपका यहाँ पर जो है एग्ज़ाम होने वाली है, सीधी भर्ती है। आपका हो सके तो इंटरव्यू के बेसिस पर जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है। बात करें कि इस फॉर्म को आपको कैसे आवेदन करना है, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशंस रिलेटेड जो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होगा इन सभी को जो है आपको यहाँ पे देख पा रहे कि जो एड्रेस यहाँ पे दी गई है इस एड्रेस में जो है आपको यहाँ पे भेजनी होगी, ठीक है। एड्रेस देख पा रहे कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
खनिज निगम भवन नेपाल हाउस एरिया डोरंडा रांची 83400002। ये जो है आपका एड्रेस दी गई है। इसी एड्रेस में जो है आपको 3 मार्च 2022 से पहले जो है आपको किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से जो है आपको यहाँ पे भेजनी है। सबसे पहले जो इसका अप्लीकेशन का फॉर्म है इसको आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी सारे यहाँ पे जो डिटेल्स आपको दी गई है इन सभी डिटेल्स को जो है आपको अच्छी तरह से जो है फिल कर लेना है। एंड जो आपका रिसेंट का फ़ोटो होगा वो अभी आपको यहाँ पे जो है लगवा लेनी है। सभी डिटेल्स को आपको अच्छी तरह से फिल करने के बाद जो ऊपर में जो एड्रेस मैंने आपको बताई है उसमें जो है आपको वहाँ 3 मार्च से पहले जो है आप किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन पोस्ट के माध्यम से जो है भेज करके जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें।